भाइयों और बहनों, जब गरीब के जीवन की चिंता कम होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कम होता है, तो वो खुद इतनी ताकत रखता है कि अपने को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर देता है। हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में रही हो या यहां हमारे झारखंड में रही हो, गरीब के जीवन को आसान बनाने, जनजातीय समाज आदिवासी के जीवन को आसान बनाने, उसकी चिंता कम करने का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। एक समय था जब गरीब के बच्चे टीकाकरण से छूट जाते थे और उम्र के साथ ही गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते थे। हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू करके देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराया। एक समय था जब गरीब को बैंक खाता खुलवाने तक में मुश्किल होती थी। हमने जनधन योजना लाकर देश के 37 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाए। एक समय था जब गरीब को सस्ते सरकारी घर मिलना मुश्किल था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2 करोड़ से ज्यादा घर हमारे गरीबों को लिए बनवा दिए। अब 2 करोड़ और घरों पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब गरीब के पास शौचालय की सुविधा नहीं थी। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीब बहन बेटियों के जीवन का बहुत बड़ा कष्ट दूर किया। एक समय था जब गरीब बहन बेटियों की जिंदगी रसोई के धुएं में बर्बाद हो रही थी। हमने 8 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त देकर उनकी सेहत की रक्षा की, उनका जीवन आसान किया। भाइयों और बहनों, गरीब की गरिमा, उसकी मर्यादा, उसकी सेहत, उसका इलाज, उसकी दवाई, उसकी बीमा सुरक्षा, उसकी पेंशन, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी कमाई, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने काम न किया। इस प्रकार की योजनाएं गरीबों को सशक्त तो करती हैं, जीवन में नया आत्मविश्वास भी लाती है। और आत्मविश्वास की जब बात आती है तो हमारे जनजातीय समाज के बच्चों की चर्चा बहुत स्वाभाविक है। आज आदिवासी बच्चों की, आदिवासी युवाओं की, आदिवासी बेटियों की शिक्षा और उनके कौशल को निखारने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। देश भर में 462 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने के अभियान का आज झारखंड की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज यहां प्रारंभ हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के मेरे जनजातीय समुदाय के भाइयों बहनों को विशेष रूप से होने वाला है। ये एकलव्य स्कूल आदिवासी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के माध्यम तो है ही है, यहां स्पोर्ट्स, खेलकूद जो यहां के बच्चों का सामर्थ्य है, और स्किल डेवलपमेंट, हुनर, हाथ के अंदर सामर्थ्य देना, स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी उस पर सुविधाएं होंगी।
इन स्कूलों में सरकार हर आदिवासी बच्चे पर, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, सरकार हर आदिवासी बच्चे पर हर साल 1 लाख रुपए से अधिक खर्च करेगी। मुझे विश्वास है इन स्कूलों से सीखकर जो साथी बाहर निकलेंगे वो आने सवाने वाले समय में नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे।